नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देने जा रहे हैं यूपीआई को लेकर के। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन का यूपीआई या किसी भी अन्य एप्लीकेशनों का यूपीआई प्लेटफॉर्म का अगर आप सहारा लेते होंगे, आप यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि आपको मैं बता दिया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशनों का अगर आप पैसा लेन देन करने के लिए आप इस्तेमाल करते होंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ। यूपीआई का ट्रांजैक्शन को लेकर के कुछ अपडेट आया है, कुछ बदलाव किया गया है इसका नियम में, तो क्या कुछ है इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे करूँगा छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को भी दबा दे, ताकि इस तरह के जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको उससे कुछ फ़ायदा मिले। और जानकारी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए बदलाव क्या आया है सरकार की तरफ से, क्या यूपीआई को लेकर के ये यूपीआई में क्या नियम कुछ बदला है, ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ़ोनपे में और सभी एप्लीकेशनों में आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन देता था। देख रहे होंगे कि मेरा यह कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है, यहाँ से हम लोग स्कैन करते थे, कहीं भी दुकान पे लगा होता था तो उसको स्कैन करके हम लोग पेमेंट कर देते थे अपना 6 अंकों का पासवर्ड डाल करके, तो वो डालते थे। तो अभी भी ये काम करेगा, लेकिन इसमें है क्या कि इसका लिमिट जो है वो कम कर दिया गया है। आप कहीं भी स्कैन करके अगर जब पेमेंट करना चाहेंगे, रिसीव करना चाहेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही आप कर सकते हैं, 2000 से ऊपर आप एक बार में नहीं कर पाएंगे। पहले था 5000-10000 आप कर सकते थे, लेकिन अब इसका नियम को नियम में यही बदलाव किया गया है कि अब घटा दिया गया है, इसका लिमिट जो है वो 2000 रुपये कर दिया गया है। अब आप 2000 रुपये ही आप कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्कैन करके पैसा को भेज सकते हैं, और आप और कहीं भी आप यूपीआई द्वारा यूपीआई एड्रेस डाल करके आप कहीं भी पेमेंट को अप्रूवल देते थे, यहाँ से पेमेंट करते थे कहीं भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई एड्रेस डाल करके, तो वहाँ पर भी आपको अब उस तरीक़ा से भी आप 2000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे और स्कैन करके भी आप 2000 तक ही आप पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। और आपको ये और तीसरा बात, बहुत लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर सब पे क्या मैं 2000 रुपये ही भेज पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल सब डाल करके आप पहले जितना भेजते थे वो आपको उसमें कोई नियम में बदलाव नहीं किया गया है, आप पहले जैसा ही सेम है सब कुछ, आप 2000 से ज़्यादा भी भेज सकते हैं। लेकिन स्कैन करके आप जैसा कि आपको दिखाया दुकान सब में रहता था स्कैन करने के लिए, वहाँ वो या कोई भी अदर भी स्कैन करके आप मात्र 2000 रुपये ही भेज सकते हैं एक बार में, और कहीं भी आप UPI एड्रेस डाल करके पेमेंट का अप्रूवल भी 2000 रुपये तक ही आप दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। कोई सवाल सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब देंगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैन करने QR कोड में ही परिवर्तन किया गया है, बैंक अकाउंट से आप डाल करके आप 2000 से ज़्यादा भी आप पैसा को भेज सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जानकारी के साथ।